आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें माइनिंग गुरुकुल चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हेलो एंड वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाई रॉक के बारे में। आपने ओपनकास्ट माइनिंग के केस में बहुत बार सुना होगा फ्लाई रॉक वर्ड, तो आज जानते हैं फ्लाई रॉक होता क्या है और इसके क्या क्या काउजेस होते हैं, साथ ही साथ इनके प्रिवेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो का एक छोटे इंट्रो के बाद। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फ्लाई रॉक है क्या चीज। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में जब कभी ब्लास्टिंग किया जाता है तो ब्लास्टिंग के बाद ब्लास्टेड रॉक ब्लास्टिंग साइट से बाहर या फिर दूर अनएक्सपेक्टेडली जब प्रोपेल्ड होता है तो इस प्रकार के रॉक्स को या फिर ब्लास्टेड रॉक को फ्लाई रॉक कहा जाता है। ओपन कास्ट माइंस में या फिर ओपन कास्ट माइनिंग में ब्लास्टिंग के कारण ये जो फ्लाई रॉक है उसके कारण मेजर एक्सीडेंट्स देखे गए हैं और इसके कारण जो है मैन को या फिर अदर मशीनरीज को भी नुकसान पहुंचता है। तो चलिए आगे बात करते हैं फ्लाई रॉक के काउजेस के बारे में, किन किन कारणों से फ्लाई रॉक हो सकते हैं। तो पहला कारण है ड्यू टू लूज स्टेमिंग। जब कभी होल में कार्ट्रिज को चार्ज करने के बाद लूज स्टेमिंग कर दी जाती है तो उसके कारण क्या होता है, जब कभी ब्लास्टिंग किया जाता है तो स्टेमिंग बाहर निकल जाते हैं और साथ ही साथ उसके कारण क्या होता है कि फ्लाई रॉक क्रिएट होता है। सेकेंड रीज़न ये हो जाएगा कि जब कभी लूज ग्राउंड में हाई अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव चार्ज कर दिया जाता है तो वहाँ का ग्राउंड जो होता है या फिर रॉक जो होते हैं वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फ्लाई रॉक की तरह काम करते हैं, ठीक है। और अदर काउजेज की बात करें तो यदि जो ब्लास्ट होल है उसमें वाटर प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा कि कार्ट्रिज जब चार्ज करेंगे तो वो अच्छी तरह से सेटल नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जब कभी ब्लास्टिंग किया जाता है तो वो फ्लाई रॉक का काम करेगा। नेक्स्ट रीज़न है कि जब कभी ब्लास्टिंग साइट में जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लाइक फॉल्ट फोल्ड इत्यादि प्रेजेंट होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो रॉक है ब्लास्टिंग के कारण ईजिली स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फ्लाई रॉक की तरह क्रिएट होगा, ठीक है। तो अदर काउजेज की बात करें तो साथ ही साथ यदि कभी ब्लास्टिंग होल में कोई बोल्डर है या फिर कोई स्टोन है तो वो क्या होगा, मिसाइल इफेक्ट की तरह काम करेगा और उसके कारण क्या होगा, फ्लाई रॉक होगा। साथ ही साथ यदि इम्प्रॉपर चार्जिंग और फायरिंग करते हैं तो उसके कारण भी फ्लाई रॉक होने की संभावना रहती है। तो ये हो गए काउजेस, इसके अलावा भी अदर काउजेस हो सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स के बारे में। फाइनली अब बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स ऑफ फ्लाई रॉक्स की, कि फ्लाई रॉक को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो जब कभी ब्लास्टिंग डिजाइन किया जाएगा या फिर ब्लास्ट डिजाइन किया जाएगा साइट के कंडीशन और फिर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को कंसीडर करते हुए ही ब्लास्ट डिजाइन किया जाएगा। जब कभी होल में एक्सप्लोजिव को चार्जिंग किया जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, शॉर्ट फायरर या फिर माइनिंग सर्वर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि आवश्यकता से अधिक जो एक्सप्लोजिव की चार्जिंग है वो ना की जाए। साथ ही साथ जब कभी लूज ग्राउंड हो तो वहाँ पे डेक चार्जिंग का यूज किया जाएगा। और अदर मेजर्स की बात करें तो फ्लाई रॉक को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग जैसे कि मफल ब्लास्टिंग का यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों मफल ब्लास्टिंग क्या होता है, मफल ब्लास्टिंग में ब्लास्टिंग साइट या फिर ब्लास्टिंग जो के लिए जो होल बनाए गए हैं उसके माउथ को एक वायर के गाज या फिर स्टील के रॉड से कवर कर दिया जाता है ताकि और उसके ऊपर रेत की बोरियाँ रख दी जाती है ताकि जब कभी ब्लास्टिंग किया जाए तो उसे फ्लाई रॉक ना उड़े, ठीक है। तो और बात करते हैं और अदर मेजर्स की, तो जब कभी होल में चार्जिंग की जाएगी तो यह इंश्योर किया जाएगा कि होल में कोई स्टोन या फिर बोल्डर ना गिरे। साथ ही साथ जब कभी वाटरी होल में चार्ज किया जाएगा तो यह इंश्योर किया जाएगा कि जो एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज है वो होल में मतलब नीचे अच्छी तरह से सेटल हो जाए। तो
ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं फ्लाई रॉक को प्रिवेंट करने के लिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक फ्लाई रॉक खत्म हुआ। इसमें हमने बात किया फ्लाई रॉक क्या होता है, इसके क्या के काउजेस हैं और उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ थम्स अप के बटन पे क्लिक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।